Mr. Ramchandra Prasad Singh, 6 minutes for you. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय मैं दोनों बिलों का समर्थन करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि दोनों बिल ला कर करके जो हिंदुस्तान में हमारे यहां अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज़्म की जो प्रक्रिया है उसको मजबूत करने का जो इन्होंने प्रयास किया है शुरुआत किया है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ डिस्प्यूट तो रहता ही है और डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन अपने यहाँ जुडिशियल है और नॉन जुडिशियल जुडिशियल साइड में आज आप देखें तो बहुत टाइम लगता है बहुत कॉस्ट लगता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ एक जीतता है और दूसरा हारता है कभी वो फाइनलिटी नहीं होती वर्षों लगते हैं समय उसमें और ये जो हमारा जो आर्बिट्रेशन का मेडिएशन का इसका जो प्रक्रिया है इसमें कम समय लगता है ये दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होता है और इसमें जो भी अवार्ड होता है वो बिल्कुल फाइनल होता है दोनों के बीच में बिल्कुल विन विन की सिचुएशन होती है किसी भी पार्टी को यह लगता है कि हम हारें और जीतें तो ये जो एक्ट बनाया गया है जो बनेगा इस बिल के माध्यम से इससे अपने देश में इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि जितने भी अपने कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं अभी ठीक बता रहे थे हमारे मित्र वैष्णवी जी कि आप देखें जितने भी अभी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मैं रोड का ले रहा हूँ बहुत सारे बड़े बड़े रोड्स हैं जहाँ कि वो काम बंद रहते हैं क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका निपटारा कोई सिविल कोर्ट में होगा उसमें कहीं भी आर्बिट्रेशन का नहीं रहता रिजल्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर कई कारणों से वो कोर्ट में चले जाते हैं वर्षों तक लंबित रहता है और इसका निस्तारण नहीं हो पाता है उससे विकास भी प्रभावित होता है और आगे चल करके कॉस्ट का भी बढ़ता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाने से निश्चित रूप से इसको बढ़ावा मिलेगा और इससे विकास में भी फायदा होगा और सबसे बड़ी बात है अब सब लोग जानते हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें आज हम लोग 77वें स्थान पर हैं तो अगर इसमें सुधार लाएंगे तो हमारी निश्चित रूप से आगे तरक्की होगी इसके लिए ज़रूरी है जैसा कि हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि सबसे पहला काम है कि यहाँ पर ये कल्चर जो हमारा है जो इकोसिस्टम है आर्बिट्रेशन का उसके लिए हमारे तीनों जो विंग हैं लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव का जुडिशियरी का तीनों का अहम रोल है और 1995 में एक्ट बना 2015 में अमेंडमेंट आया और फिर अभी अमेंडमेंट आ रहा है ये हम लोगों को इस पर हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा कि जब भी इसको और बेटर बनाने के लिए ज़रूरत पड़े तो किसी प्रकार का अमेंडमेंट लाने में हम लोग हिचकना नहीं चाहिए हम लोग जो एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं कि बिल्कुल रॉबस्ट हो रिलायबल हो लोग उसको समझें कि एक अच्छी व्यवस्था की गई है तो इसके लिए जो लेजिस्लेचर का रोल है उसमें भी हम लोग पीछे न रहें एग्जीक्यूटिव के बारे में आप सब जानते हैं जितनी व्यवस्था करनी है और सबसे बड़ा रोल जो है वो जुडिशरी का इसमें जो एक मोटो होना चाहिए कि मिनिमम उनका इंटरवेंशन होना चाहिए और मैक्सिमम एक्सक्यूशन होना चाहिए ये सबसे पहले जरूरी है क्योंकि इस पर ध्यान देना है कि अगर कोई अवार्ड हो गया तो जिसकी चर्चा कर रहे थे सब लोग कि माइंडसेट कि अपने यहाँ माइंडसेट कंप्लायंस का नहीं है बल्कि रहता है कि हम किस प्रकार से इसको बाईपास करें तो माइंडसेट बदले इसके लिए जरूरी है कि कानून से आप माइंडसेट नहीं बदल सकते इसके लिए जरूरी है कि चर्चा हो जितने भी इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जितने भी लोग हैं इसमें इसमें बराबर चर्चा होते रहनी चाहिए जिससे कि इस बात को लगे कि हमारे देश में अगर कमर्शियल जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनका परमानेंट रिजोल्यूशन होना है तो हम लोगों के मन में ये बात आनी चाहिए कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको सबको हम लोग की सैंक्टिटी को मानना पड़ेगा और अगर कोई अवार्ड होता है तो उसको हमको लागू करना पड़ेगा और ये भी जो व्यवस्था किया गया इस एक्ट के माध्यम से कि पूरा का पूरा एक जितने भी हमारे कॉम्पिटेंट हमारे जो हमारे डोमेन एक्सपर्ट हैं उनकी पूरी की पूरी एक बॉडी होगी और इसमें एक और अच्छी बात है कि उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे जितने भी अपने देश के और बाहर के जितने भी हमारे आज कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे आज तो हमारी जो इकोनॉमी है वो इतनी बढ़ रही है आज चारों तरफ बहुत तरह की एक्टिविटीज हो रही है और अपने देश में सब तरह के डोमेन एक्सपर्ट हैं ये भी कह रहे थे कि हमारे साथी के यहाँ हमारे यहाँ उसकी कमी है ऐसी बात नहीं है कोई भी फील्ड ले लीजिए अभी नया नया देखिए स्पेस का फील्ड है
हम लोग एक नया PSU बनाने जा रहे हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आज हम उस क्षेत्र में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी हमारे पास एक्सपर्ट की कमी नहीं है, कोई भी फील्ड है सब में है, लेकिन आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि इसमें जो उन्होंने ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, और इसमें खास करके जो बहुत जगह जो रीजनल सेंटर्स हैं उनको खोले जाएंगे, तो हम लोगों का सबका जो लक्ष्य है कि हमारा हिंदुस्तान जो आज की तारीख में आर्थिक क्षेत्र में इतना मजबूती से बढ़ रहा है और आगे चल करके हम दुनिया के एक अच्छे पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म हो बहुत ही सशक्त हो, और ये बहुत ही सार्थक प्रयास किया गया है। और साथ ही इस बात की व्यवस्था किया गया है कि जो भी लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे, बहुत अच्छी बात एक इसमें यह भी है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाए। साथ ही साथ जो अमेंडमेंट से अब टाइम बाउंड हुई है ज़रूरी है, नहीं तो सिविल कोर्ट में क्या होता है कि दादा मुकदमा दायर करते हैं, पोता अभी तक मुकदमा लड़ रहा है, तो ये यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं चल पाएगी। क्योंकि अगर हमको कमर्शियल डिस्प्यूट्स में डिसीजन लेने हैं तो टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है, और इस बिल में जो है कि 6 महीने के अंदर आपको उसको देना है, तो इससे निश्चित रूप से जो हमारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है कमर्शियल डिस्प्यूट्स उसको निपटाने में मदद मिलेगी। मैं मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि पटना से वो आते हैं, मैं भी राजगीर से आता हूँ, और जब सब जगह सेंटर खोले जाएं तो निश्चित रूप से पाटलिपुत्रा में भी खुलना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही सीट ऑफ पावर और सीट ऑफ लर्निंग रहा है, और निश्चित रूप से वहाँ आर्बिट्रेशन का काम बहुत अच्छे ढंग से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर सिंह।